अच्छा जी, आज जूनियर की परफॉर्मेंस देखे ना, कसम से उनका ना माथा चूमने को दिल कर रहा है कि यार अमेजिंग, हमें फाइनल तक पहुंचा रहे हैं वो। आई मीन बट अगेन हैट्स ऑफ टू कुलदीप एंड जडेजा एंड जसप्रीत एंड सराज एंड एवरीवन, यू नो यू गाइस हैव डन वंडर्स मैन। आई मीन लाइक वेल डन इंडिया। पाकिस्तानियों को जो है वो मशहूर होना चाहिए इंडिया का, क्योंकि आज का अगर वो मैच ना जीते तो हम जो है वो फाइनल में नजर ना आते। तो मतलब आज अब इंडिया को सपोर्ट कर रहे ना 100%। मैं आज मुझे दो दो खुशियां मिली। कौन सी? इंडिया जीता जी, अब हमारा सेमीफाइनल होगा श्रीलंका के साथ। श्रीलंका बॉलिंग जो इंडिया की थी ना, उसने वहीं पे बॉल रखी, क्योंकि मेन पांच प्लेयर आपने आउट कर दिए। जब एशिया कप शुरू हुआ था तो सिर्फ एक टीम के नारे लग रहे थे, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, और आज पाकिस्तान को भी टेंशन पड़ी है कि फाइनल में कैसे पहुंचना। इंडिया देख ले, हमसे पहले फाइनल में पहुंच गया। आज देख रही थी ग्राउंड के अंदर केएल और जो के ईशांत है वो एक साथ ग्राउंड में थे, एक विकेट कीपिंग कर रहा था, एक साथ फील्डिंग कर रहा था, दोनों साथ बैटिंग भी कर रहे थे, किसी को कोई ईगो का मसला नहीं था। यहाँ पे हम सरफराज की बात करते हैं तो जनाब वो रिजवान आवाजें आना शुरू हो जाती है, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो रहा है। विराट कोहली को देखो, चिपकना देखो, झपटना देखो, और इंटेंसिटी चेहरे पे देखियो, सर पे साफ लिखा हुआ था हंगर। ये थी भूख एशिया कप के फाइनल में पहुंचने की। उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि हमें हैरान कर दिया। उनके कुलदीप यादव ने चार विकेटें लेके हमें हैरान कर दिया, और हालांकि कल के मैच में हम देखे तो हमारे स्पिनर्स ने क्या काम किया। तो खैर फाइनल में पहुंच गया कि अगर हम परसों का मैच जीते हैं तो फिर हमें इंडिया से ही जो है वो खेलना होगा, क्योंकि अब एक टीम हमारी फाइनलिस्ट हो चुकी है। पूरी मायूस हो चुकी है, मुझे लगता है कि अगर हमारा पाकिस्तान भारत का टाकरा हो भी जाता फाइनल में, ऐसी बहुत पैड़ी तरह। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। एशिया कप शुरू हुआ था तो सिर्फ एक टीम के नारे लग रहे थे, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, और आज पाकिस्तान को भी टेंशन पड़ी है कि फाइनल में कैसे पहुंचना। इंडिया देख ले, हमसे पहले फाइनल में पहुंच गया। यही बात होती है कि कोई शो ऑफ करता है और कोई काम करता है। हम लोग शो ऑफ कर रहे थे, मैं पहले भी कहता था कि हमारा जो मीडिया है ना, इसने काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया हमारी टीम को। ठीक है, उन्होंने अपना काम किया, वो मीडिया से दूर रहे, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपनी टीम पर काम किया, देख लें आज फाइनल में पहुंचे हुए हैं। और इस टाइम जितने वो रिदम में फाइनल से पहुंचे हैं ना, उन्होंने कहीं ना कहीं एशिया कप भी ले जाना हमसे, क्योंकि हमारा इस टाइम श्रीलंका से जीतना एक क्वेश्चन मार्क है। उसकी वजह यह है हमारा हारिस रऊफ और नसीम शाह हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग में पैनल में जो आते हैं, और दोनों इंजर्ड हैं। शाहनवाज जानी और जुमान खान को आपको पता है उनके बैकअप बॉलर्स के लिए तलब कर लिया गया। अब टेस्ट आने हैं आज, तो उसके बाद फैसला होगा कि हारिस रऊफ खेलेगा या नहीं खेलेगा। और नसीम शाह तो मेरे ख्याल से वो आउट हो चुका है, वो अब वर्ल्ड कप में ही खेलेंगे। तो ये श्रीलंका से जीतना इस टाइम श्रीलंका के अंदर हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है और चैलेंजिंग भी है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग श्रीलंका से जीतें और हमें एक बार फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिले। अच्छा चलिए, अगर हम श्रीलंका से जीत जाते हैं और हमें फाइनल में एक बार फिर पाक भारत टाकरा देखने को मिलता है, तो क्या लगता है कि उस टाकरे में कौन जीतेगा? नो डाउट इंडिया फेवरेट है उस टाइम इंडिया बहुत फेवरेट है। ठीक है, पहले पाकिस्तान फेवरेट था, लेकिन कल की परफॉर्मेंस पे आप देखिए एक परफॉर्मेंस से हम जज नहीं कर सकते, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो ऐसी दो ना कि जजमेंट ना ही करनी पड़े। यार आप वर्ल्ड नंबर वन टीम हो इस टाइम और 128 पे ऑल आउट हो गए हो। नो डाउट हार्दिक पांड्या का बॉल जो है बाबर आजम को बहुत अच्छा हुआ था, उसकी जगह कोई और भी होता तो शायद ना खेल पाता। यार बाबर नहीं स्कोर करेगा तो कोई भी स्कोर नहीं करेगा, ना ऊपर से फखर ना इमाम। हमारा ओपनिंग अफगानिस्तान के खिलाफ फ्लॉप हुआ, एशिया कप जब से चल रहा है हमारी ओपनिंग पेयर जोड़ी फ्लॉप जा रही है। यार चेंज कर लो, अब्दुल्ला शफीक पीछे बैठा हुआ है, इतना आउट क्लास प्लेयर है वो, आने वाले वक्त का विराट कोहली है। मैं आपको भी कह दूँ अब्दुल्ला शफीक बहुत प्यारा प्लेयर है, यार उसको चांस दो बड़े मैच में। जरूरी तो नहीं कि बड़ा प्लेयर ही बड़े मैच में चलता है, प्लेयर की क्लास बताती है वो कितना बड़ा प्लेयर है। हो सकता है अब्दुल्ला शफीक कल चल जाता, फकर हम फ्लॉप जा रहा है बड़ी देर से, नीचे से आपने देखा बाबर आउट हुआ है उसके बाद लाइन ही लग गई, और ये हमारी हमेशा से। आपने आज का मैच तो जरूर देखा होगा, इंडिया वर्सेज श्रीलंका के मैच के हवाले से कितनी एक्साइटेड नजर आ रही थी आज का मैच लेकर? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन मैं दुआएं भी करी थी, मुझे लगता है कि पूरा पाकिस्तान दुआएं कर रहा था कि आज इंडिया जीत जाए। आज अगर इंडिया हार जाता तो हमें शायद ही जो है वो फाइनल में वो नजर ना आता। आज श्रीलंका से इंडिया जीता मतलब ये कि फाइनल में चले गए। अब अगर हम श्रीलंका से जीत जाते हैं, पाकिस्तान श्रीलंका से जीता है, दैट्स मीन कि हम जो दोबारा से हमें पाकिस्तान और भारत का टाकरा देखने को मिलेगा। तो एवरीवन वाज प्रेइंग कि हम जो है वो इंडिया जीत जाए, तो इंडिया जीता है। परफॉर्मेंस तो अच्छी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि आज हमें शुरू से कहा कि जी इंडिया बैटिंग लाइन में A1 है, बट द थिंग इज कि आज जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया, कुलदीप यादव ने चार विकेट्स लिए हैं, वो अनएक्सपेक्टेड थी कि जी पहले भी उसने पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट्स लिए हैं, आज उसने जो है वो श्रीलंका के खिलाफ चार विकेट्स लिए हैं, दैट्स मीन कि ही इज डूइंग गुड। और वो हिस्ट्री क्रिएट कि मैं ये समझती हूँ कि हमसे ज़्यादा फील्डिंग तो अच्छी आज श्रीलंका ने कर ली है। लाइक हमारी बॉलिंग हमारी फील्डिंग पूरी दुनिया में मानी जाती है, बट श्रीलंका हमें भी क्रॉस करके एम ए नहीं था श्रीलंका लास्ट टाइम हमसे जो है वो एशिया कप जीत गया था, तो ये बड़ी मजे की चीज़ है कि ये सामने। लेकिन अभी जो हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं पाकिस्तान की, मैं पूरी मायूस हो चुकी हूँ, मुझे लगता है कि अगर हमारा पाकिस्तान भारत का टाकरा हो भी जाता फाइनल में, ऐसी बहुत पैड़ी तरह हारना है। हारिस रऊफ जो है वो इंजर्ड है, हमारे नसीम शाह इंजर्ड है, शाहीन शाह अफरीदी की लास्ट अगर कल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो
बकवास परफॉर्मेंस थी एवन से, तो अब हमारी बॉलिंग जो एवन मानी जाती है बॉलिंग में ही हम लोग इंजर्ड बैठे हैं, तो हम आगे क्या कर पाएंगे। इंडिया ने ना मतलब एवन से के माथा टेकने वाली बात आ गई है कि उनके सामने माथा टेकना पड़ेगा कि लाइक दे आर प्लेइंग वेरी वेल, और उन्होंने जो है वो ये जीत कर हमारे लिए बहुत अच्छा किया, अगर ये ना करते तो हम शायद फाइनल में कहीं आगे हुए नजर ना आ रहे होते। जो नाम वही पाकिस्तान पाकिस्तान हमारा देश पाकिस्तान आपका देश हिंदुस्तान। मैच तो इंडिया श्रीलंका का था, पाकिस्तान के गाने से आपने शुरू कर दिया। अरे भाई पाकिस्तान के लिए फायदा हुआ ना, तो मतलब आज आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे ना 100%। मैं आज मुझे दो खुशियां मिली। कौन सी? इंडिया जीता जी। अब हमारा सेमीफाइनल होगा श्रीलंका के साथ, श्रीलंका से अब हमारे